वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैटी निशास। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर 14 चैप्टर समीकरण के बेस पे। तो समीकरण के बेस पे हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देखे थे, जिसमें समीकरण क्या होता है, समीकरण को हम लोग किसके किसके रूप में सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसी का आगे कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं भाई, ठीक है, कि समीकरण किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो समीकरण को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चार राशि के बेस पे देखे थे, अचार राशि के बेसिस पे देखे थे, और एक चार का जो रैखिक समीकरण होता है इसके बेसिस पे देखे थे, ठीक है। पहला हम लोग जो इस चीज़ को देखे थे भाई, एक चार के माध्यम से देखे थे, एक किसके माध्यम से देखे थे, चार के माध्यम से देखे थे, एक अचार के माध्यम से देखे थे, चार अचार, और एक हमारे पास था समीकरण के बेस पे, और एक था रैखिक समीकरण के बेस पे, ठीक है। तो चार हो जाएगा, अचार हो जाएगा, समीकरण, रैखिक समीकरण, बीजीय व्यंजक के बेस पे हो जाएगा, बीजीय व्यंजक के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो चार के माध्यम से जान सकते हैं, अचार के माध्यम से जान सकते हैं, समीकरण के माध्यम से, चाहे रैखिक समीकरण, बीजीय व्यंजक के भी माध्यम से जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो चार, अचार, रैखिक समीकरण, समीकरण, बीजीय व्यंजक के बेस पे हम लोग जान सकते हैं, एक चार का रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं, एक चार का रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर का रैखिक समीकरण के बेसिस पे भी जान सकते हैं, क्लियर। तो एक को चर के बेसिस पे कर लेते हैं, एक को अचर के बेसिस पे कर लेते हैं, एक समीकरण हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण के बेस हो जाएगा। तो चार अचार समीकरण, रैखिक समीकरण, बीजीय व्यंजक, एक चर का रैखिक समीकरण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। तो एक चार के माध्यम से जान सकते हैं, एक अचार के माध्यम से जान सकते हैं, एक समीकरण के माध्यम से जान सकते हैं, एक रैखिक समीकरण के माध्यम से जान सकते हैं, एक बीजीय व्यंजक के माध्यम से जान सकते हैं, एक अचार का रैखिक समीकरण के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। तो चार के माध्यम से क्या होता है कि जिसके जिस राशि का मान बदलता है, जो अस्थिर होता है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वो चर के माध्यम से होता है। वो किसके माध्यम से होता है भाई, चर के माध्यम से होता है। तो चर के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ये चर किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। और एक और होता है अचर के माध्यम से, जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, इसी राशि जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, जिसको हम लोग संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, 1, 2, 3 के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। समीकरण, जहाँ पर दो कथनों के बीच में समता होती है, जहाँ पर दो कथनों में जिसमें बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होता है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में चार राशि की घात एक होती है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रैखिक समीकरण बोला जाता है भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों के रैखिक समीकरण के बेस पे हो जाएगा, रैखिक समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, क्लियर। बीजीय व्यंजक, जहां चार और अचर दोनों सम्मिलित होते हैं, वहां बीजीय व्यंजक होता है, और एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे देख सकते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई, कि एक चर का रैखिक समीकरण किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो एक चर का रैखिक समीकरण के अनुरूप भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो एक चार के माध्यम से हो जाएगा, एक अचार के माध्यम से हो जाएगा, एक समीकरण के बेस हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण के बेस हो जाएगा, एक बीजीय व्यंजक के बेस हो जाएगा, एक चार का रैखिक समीकरण के बेस हो जाएगा। तो चार, अचार, समीकरण, रैखिक समीकरण, बीजीय व्यंजक, एक चार का रैखिक समीकरण के बेसिस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों इसके
इंक्लूडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चर और अचर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं और समीकरण के बेस पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक चर के माध्यम से रहेगा, एक अचर के माध्यम से रहेगा, एक समीकरण के बेस पे रहेगा, एक रैखिक समीकरण के बेस पे रहेगा, एक बीजीय व्यंजक के बेस पे रहेगा, ये एक चर का रैखिक समीकरण के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो चर, अचर, समीकरण, रैखिक समीकरण, बीजीय व्यंजक, एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेस में भी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये चार के बेस भी आता है और अचार के बेस भी आता है, क्योंकि चार राशि के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो चार के माध्यम से ये कंटेंट आता है कि यदि आपके पास कोई राशि है, यदि आपके पास कोई राशि है जो किसके बेस पे है, चार के बेस पे है, जो किसके बेस पे है भाई, चार के बेस पे है, क्लियर। तो एक चार के बेस पे होता है, एक अचार के बेस पे होता है, एक रैखिक समीकरण के बेस होता है, एक समीकरण के बेस होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है, एक चार का रैखिक समीकरण होता है। तो चार के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं, अचार के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं और समीकरण के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं और रैखिक समीकरण के बेस पे भी और एक बीजीय व्यंजक के बेस पे भी कर सकते हैं कि एक चार का रैखिक समीकरण के अकॉर्डिंग में क्या होता है, चार के माध्यम से क्या होता है, अचार के माध्यम से क्या होता है, समीकरण के बेस पे क्या होता है, रैखिक समीकरण के बेस पे क्या होता है, बीजीय व्यंजक के बेस पे क्या होता है, एक चर का रैखिक समीकरण के अकॉर्डिंग में भी क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चार राशि के माध्यम से क्या होती है, अचार राशि के माध्यम से क्या होती है, समीकरण के बेसिस पे क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होती है, एक चर का रैखिक समीकरण क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो चार के बेस पे दूसरा अचार, तीसरा समीकरण हो जाएगा और चौथा रैखिक समीकरण हो जाएगा और पांचवा बीजीय व्यंजक हो जाएगा और छठवां हो जाएगा एक चर का रैखिक समीकरण। तो ऐसी राशि जिसका मान, चार राशि के बेस पे देखते हैं, ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित होते रहता है, जिसका मान परिवर्तनशील रहता है, जिसका मान अस्थिर रहता है, एक ही जगह पर एक ही अनुपात के रूप में नहीं रहता है, कभी एक्स के लिए 1 होता है, कभी एक्स के लिए 0 होता है, कभी एक्स के लिए 2, 3, 4 इस तरीके से धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो एक्स के मान के बेसिस पे ये बदलते रहता है, इस कारण से इसको चार राशि कहा जाता है, जबकि अचर राशि इसका विपरीत होता है। अचर राशि क्या होता है, इसका विपरीत होता है भाई, ठीक है, कि इसमें ऐसी राशि जिसमें जिसका मान अपरिवर्तनशील होता है, जिसका मान अपरिवर्तित होता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसको हम लोग संख्याओं के रूप में करते हैं भाई। तो एक समीकरण के बेस पे होता है, एक रैखिक समीकरण के बेस पे होता है, एक बीजीय व्यंजक के बेस पे होता है, एक चार का रैखिक समीकरण के माध्यम से जान सकते हैं, एक को रैखिक समीकरण के बेस पे देख सकते हैं। तो एक चार के माध्यम से होता है, एक अचार के माध्यम से होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक चार के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और एक अचार के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है, तो चार और अचार दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और समीकरण के बेस पे जान सकते हैं और रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं और बीजीय व्यंजक के बेस पे भी जान सकते हैं और एक चर का रैखिक समीकरण के अंतर्गत भी जान सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, एक चर के बेस पे होता है, एक अचर के बेस पे होता है, ठीक है। तो हम लोग चर राशि के माध्यम से भी जान सकते हैं और अचर राशि के माध्यम से भी जान सकते हैं, क्लियर, कि एक चर राशि के माध्यम से आपके पास क्या कंटेंट आता है और एक अचर राशि के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो हम लोग चर के माध्यम से भी जान सकते हैं और अचार के भी माध्यम से भी जान सकते हैं कि चार के बेसिस पे क्या होता है और अचार के बेसिस पे भी क्या होता है। तो एक को आप लोग चार के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को आप लोग अचार के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो चार और अचार के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसके माध्यम से देखते हैं, एक चार के माध्यम से होता है, एक अचार के माध्यम से होता है, एक समीकरण के बेस पे होता है, एक रैखिक समीकरण के बेस पे होता है और एक बीजीय व्यंजक के बेस पे होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो चार के माध्यम से
हमारे पास ये कंटेंट आता है भाई कि जिसका मन परिवर्तनशील रहता है, जिसका मन बदलते रहता है, ठीक है, जो कि एक जगह पर स्थायी रूप में नहीं रहता है, वो आप लोगों का चार के बेसिस होता है। अचार राशि का मान नहीं बदलता है भाई, किसका मान नहीं बदलता है, तो अचार राशि का मान नहीं बदलता है, तो ये आप लोगों का अचार राशि के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, आप लोगों का अचार राशि के बेस हो जाएगा। एक समीकरण के बेस पे होता है और एक रैखिक समीकरण होता है और एक बीजीय व्यंजक होता है, एक चर का रैखिक समीकरण होता है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि एक चर के बेसिस पे क्या होता है, अचर के बेस पे क्या होता है, समीकरण के बेस पे क्या होता है, रैखिक समीकरण के बेस पे क्या होता है, बीजीय व्यंजक के बेस पे क्या होता है, एक चर का रैखिक समीकरण किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, अचर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, समीकरण के माध्यम से, रैखिक समीकरण से और बीजीय व्यंजक से और एक चर का रैखिक समीकरण से, इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये चार राशि के माध्यम से क्या होता है, अचार राशि के माध्यम से क्या होता है। तो एक चार राशि के माध्यम से होता है, एक अचार राशि के माध्यम से होता है। तो चार राशि के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट आ जाएगा और एक आपके पास अचार राशि के माध्यम से आ जाएगा। तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई कि एक चार राशि के माध्यम से क्या होता है, एक अचार राशि के माध्यम से क्या होता है, तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर समीकरण में आप लोग जानते हैं भाई कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जैसे चार राशि के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस राशि का मान, इस राशि का मान, इस राशि का मान मान बदलता है, इस राशि का मान बदलता है, इस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, इसका मान अस्थिर अस्थिर होता है, चर राशि कहलाता है। कहलाता है क्या राशि कहलाता है, चर राशि कहलाता है। तो इस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चर राशि कहलाता है। अचार राशि के बेस पे देखते हैं, अचार राशि, इस राशि का मान, इस राशि का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, इस राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर होता है, इसका मान स्थिर स्थिर होता है, इसका मान स्थिर होता है, अचार राशि कहलाता है। अचार राशि कहलाता है, क्लियर। तो चार राशि के बेस पे जान सकते हैं और अचार राशि के बेस पे जान सकते हैं, ठीक है, कि ये चार राशि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और अचार राशि भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इस राशि का मान बदलता है चार राशि के बेस पे और अचार के माध्यम से नहीं बदलता है। समीकरण के बेस पे देख सकते हैं कि दो कथनों के बीच में, दो कथनों के बीच की समता, दो कथनों के बीच की समता, दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है। समीकरण, समीकरण कहलाती है, दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 10 के बेस पे हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 10 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, इस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चार राशि कहलाती है, इस राशि का मान नहीं बदलता, इसका मान स्थिर होता है, अचार राशि कहलाती है, दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 10 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चार के माध्यम से देख सकते हैं, एक को आप लोग अचार के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चार के माध्यम से हो जाएगा, फिर एक अचार के
माध्यम से हो जाएगा। तो चर के माध्यम से क्या होता है, किस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चर राशि कहलाता है। इस राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर होता है, अचर राशि कहलाता है। समीकरण दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है, जैसे 2x + 5 = 10 के बेस हो जाएगा। तो एक को हम लोग चर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग अचर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि चर के बेसिस पे क्या होता है और अचर के बेस पे क्या होता है। तो चर और अचर के दोनों के माध्यम में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि जिसका मान बदलता है वो चर राशि होता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर राशि होता है। तो जिसका मान बदलता है वो चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता है वह अचर राशि होता है। इस राशि चर राशि के बेस पे है कि इस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चर राशि कहलाता है। अचर राशि इस राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर होता है, अचर राशि कहलाता है। समीकरण दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है, जैसे 2x + 5 = 10। चर राशि इस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चर राशि कहलाता है। अचर राशि इस राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर होता है, अचर राशि कहलाता है। समीकरण दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है, जैसे 2x + 5 = 10 के बेस हो जाएगा। अब रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं, बीजीय व्यंजक के बेस पे जान सकते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे भी जान सकते हैं। क्लियर। तो रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात जिसमें चर राशि की घात एक होती है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक होती है रैखिक समीकरण कहलाती है। बीजीय व्यंजक में चर व अचर राशि को सम्मिलित रूप से बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण, ठीक है, जहाँ एक ही चर हो ऐसा समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चर अचर समीकरण रैखिक समीकरण बीजीय व्यंजक एक चर का रैखिक समीकरण के बेस से हम लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये दोनों किसके बेस पर रहेगा। तो एक चर के माध्यम से होता है, एक अचर के माध्यम से होता है, एक समीकरण हो गया, एक रैखिक समीकरण हो गया भाई, ठीक है, और एक हो गया आएगा बीजीय व्यंजक। तो इसके बेस पर भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चर के बेसिस पर क्या होता है, अचर के बेस पे क्या होता है, समीकरण के बेस पे क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या होगा, बीजीय व्यंजक क्या होगा, एक चर का रैखिक समीकरण क्या होगा। तो चर के बेसिस पे किस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चर राशि कहलाती है। इस राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर होता है, अचर राशि कहलाती है। समीकरण दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है, जैसे 2x + 5 = 10। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। बीजीय व्यंजक चर व अचर राशि को सम्मिलित रूप से बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण जहाँ एक ही चर हो ऐसा समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इस राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, चर राशि कहलाती है। अचर राशि इस राशि का मान नहीं बदलता है, इसका मान स्थिर होता है, अचर राशि कहलाती है। समीकरण दो कथनों के बीच की समता समीकरण कहलाती है, जैसे 2x + 5 = 10। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक होती है,
रैखिक समीकरण कहलाती है। विजीय व्यंजक चार व चार राशि को सम्मिलित रूप से विजीय व्यंजक कहते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण जहाँ एक ही चर हो ऐसा समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। तो एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चर के बेस पे जान सकते हैं, अचर के बेस पे जान सकते हैं, समीकरण के बेस पे जान सकते हैं, रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं, बीजीय व्यंजक के बेस पे जान सकते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण के बेस पे जान सकते हैं। तो चर अचर समीकरण रैखिक समीकरण बीजीय व्यंजक और एक चर का रैखिक समीकरण के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। भाई आपके पास ये दिया गया है, फर्स्ट ऑफ 2x + 1 = 10 के बेसिस पे है, क्लियर। और दूसरा है आप लोग पास 2x / 3/5 = 15 के बेस पे है। तीसरा 2x - 9 = 17 के बेस पे है। चौथा के बेस पे 9x * 7 = 70 के बेस पे है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं ये किसके किसके अकॉर्डिंग में आएगा, प्लस माइनस में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कैसा कन्वर्ट होता है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस होता है, क्योंकि रूल्स होता है कि प्लस हमेशा माइनस में जाता है, माइनस हमेशा प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में जाता है और डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है। ये रूल्स होता है एक चर का रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के, हमारे पास रूल्स होते हैं। तो इस रूल्स के मुताबिक भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेस पे भी रहेंगे। तो एक चर के माध्यम से जान सकते हैं और एक हम लोग अचर के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक को हम लोग चर के बेस पे देख सकते हैं और एक को हम लोग अचर के बेस पे देख सकते हैं। पहला 2x + 1 = 10 के बेस पे है, 2x + 3/5 = 15 के बेस पे है। नाउ थर्ड 2x - 9 = 17 के बेस पे है। नाउ फोर्थ 9x * 7 = 70 के बेस पे है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि प्लस के बेसिस पे क्या होता है, माइनस के बेसिस पे क्या होता है, मल्टीप्लाई के बेसिस पे क्या होता है और डिवाइड के बेसिस पे क्या होता है। तो एक को हम लोग प्लस के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को माइनस के बेस पे, एक को मल्टीप्लाई, एक को डिवाइड। तो एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस के बेस हो जाएगा। जिस तरीके से प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस पे कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये प्लस के बेसिस पे क्या होता है, माइनस के बेसिस पे क्या होता है, मल्टीप्लाई किसके अकॉर्डिंग में रहता है और डिवाइड किसके अकॉर्डिंग में रहता है। तो एक को प्लस के माध्यम से जान सकते हैं, एक को माइनस के माध्यम से जान सकते हैं। एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्लियर, ये दोनों किसके किसके बेस पे है। 2x + 1 = 10, 2x + 3/5 = 15, 2x - 9 = 17, 9x * 7 = 70 के माध्यम से। तो 2x + 1 = 10, 2x + 3/5 = 15, 2x - 9 = 17, 9x * 7 = 70 के बेस हो जाएगा। तो पहला हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन के बेस पे रहता है हमारे पास 2x + 1 = 10 के बेस पे रहता है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2x + 1 = 10, इसलिए 2x = 10 - 1, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9/2 के माध्यम से। देखिए ये प्लस इधर आकर के माइनस, ये मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड, देखिए रूल्स के मुताबिक यही होता है, क्लियर, कि प्लस किस में कन्वर्ट होता है भाई, माइनस में, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में। देखिए तो एक सा का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 9/2 के बेस पे आ जाएगा, ये आप लोगों का आंसर के बेस पे आ जाएगा। कब की स्थिति में, जब आपके पास दिया गया 2x + 1 = 10, इसलिए 2x = 10 - 1, 2x = 9, x = 9/2। अब सेकेंड के बेस पे देखते हैं, सेकेंड के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है 2x + 3/5 = 15 के बेस पे दिया गया है। इक्वल टू किसके बेस पे दिया गया है, 15 के बेस पे दिया गया है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3/5 = 15, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3 = 5, मल्टीप्लाई डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। यहाँ पर बताया हूँ ना, डिवाइड किस में जाता है भाई, मल्टीप्लाई में।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x+3 इक्वल टू 15 5 जो 75, 15 5 75 होता है। अब ये प्लस है, प्लस किस में जाता है, देखिए प्लस किस में जाता है, माइनस में। हमको चार राशि की मान ज्ञात करना है, हमको चार राशि की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = 75 - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 72 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 1 कैरी 2 6 जा, x का वैल्यू हो जाएगा 36। ये रहेगा आपका आंसर, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई। प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। और डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो इसके बेस पर भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। थर्ड के बेसिस पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए थर्ड के बेस पे भी हमारे पास है, यहाँ पर देखिए थर्ड के बेसिस पे हमारे पास जैसे कि 2x - 9, नाउ थर्ड 2x - 9 = 17। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। दिया है 2x - 9 = 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x - 9 इधर आकर के क्या हो जाएगा, +9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x = 17, और 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, 26 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बेस हो जाएगा x, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 13। ये इसके बेस पे आंसर हो जाएगा। देखिए 2x - 9 इधर आकर के क्या हो गया, प्लस, ये मल्टीप्लाई इधर आकर के क्या हो गया, डिवाइड, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। ये थर्ड के बेस पे था। फोर्थ नंबर के बेस पे हमारे पास ये लास्ट कंटेंट के बेस पे था, ये वाला फोर्थ नंबर के बेस पे हमारे पास चौथा के बेस पे ये था भाई कि 9x * 7 = 70। तो यहाँ से हो जाएगा 9x = हो जाएगा ये 70/7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, 7 1 जा 7 1 जा 7 7 0 जा 0, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 10/9 हो जाएगा, 10/ कितना हो जाएगा भाई, 9 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो समीकरण के बेसिस पे ये हो जाएगा, समीकरण के अंतराल में प्लस माइनस के बेस में, माइनस प्लस के बेस में, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस में, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे हो जाएगा। तो इतने में आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल फार्मूला सभी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका आगे का कंटेंट में हम लोग एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे, ठीक है। इतने में आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, परिभाषाएँ, सूत्र और बेसिक नॉलेज ये सभी कंप्लीट होता है। इसका आगे का कंटेंट में हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 14.1 के माध्यम से देखेंगे।